गाइस हाउ आर यू, होप यू आर फाइन। अगर हम वहां पर देखें तो वो गायें और उसने जबह कर लिया है। लाइटिंग का टाइम है तो अभी मैं लाइट लगाने लगा हूं। आगे जो डेंजरस जगह है और बसावीर आगे जाके लगाएंगे। मैंने अभी स्टार्ट किया है यहां पे लाइटिंग शाइटिंग करने, और मैं थोड़ा आपको शिखर का थोड़ा व्यू दिखाता हूं। ये गेट टू साइड का एरिया है जो आप अभी देख रहे हैं। ये आगे नीचे फुल चला गया है, और अभी आप देख सकते हैं कि ये जो छत पे जो हम सोच रहे हैं कि जो फ्रंट साइड है उस पर थोड़ा सा डिज़ाइन करूं, तो लाइटिंग होने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह हमने लगाया लाइटिंग। तो थोड़ा रात का जो व्यू है वो आपको भी दिखाएंगे। पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमें मुझे नहीं पता। तार सेट कर रहे हैं। ओके देन, ये हमारे दुल्ला भाई। दिस इज़ द फ्रंट लुक। तो गाइस ये लाइटिंग तो लग चुका है, लेकिन अभी कुछ मज़ा नहीं आएगा। रात को जो है ना, जब ऑन करेंगे तो तब जाके लुक देंगे। अभी ये टेंट जो है वो लगाना शुरू हो गया है, इसको अभी ऊपर चढ़ाएंगे। व्यूअर्स अभी शामियाने जो है वो लग चुके हैं, हम जाएंगे बुंदू साउंड सिस्टम लेने के लिए। तो गाइस आज का जो प्रोग्राम है वो आप लोगों को बताता हूँ कि हमने अभी लाइटिंग वगैरह हमने कर लिया है, ऑलमोस्ट सेट है, चेकिंग वगैरह हो रहा है। वसीम बताओ कि हमने आज क्या क्या करना है, मेहंदी के दिन क्या क्या फंक्शन हो रहे होंगे वो हमारे जो व्यूअर्स है उसको थोड़ा सा समझाओ। अभी हमने कि अभी फिलहाल लंच होगा, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक होगा, उसके बाद डिनर होगा, डिनर के बाद थोड़ा स्पेशल प्रोग्राम है। इसमें होता है कि मेहंदी लगाते हैं, सब लगाते हैं, और स्पेशली दुल्हा वो थोड़ा, और डांस वगैरह भी होगा, रात को पार्टी वगैरह। After the Isha, After the Isha, we will make some small party. So, हम अभी पहुंचे हैं बुंदू, स्पीकर लेने आया था साउंड सिस्टम, तो उनके घर हम पहुंचे हैं। ये उनके घर है, तो यहाँ पर मिल जाता है रेंट पे। पता नहीं कितना रेंट है, लेकिन हम यहाँ पहुंचे हैं स्पीकर लेने के लिए। है अवेलेबल साउंड सिस्टम अवेलेबल है यहाँ पे, बट रेंट का नहीं पता। रेंट हम डिसाइड करके लेंगे, और आई थिंक साउंड हम यहाँ से इसका साउंड चेक करके ले जाएंगे। बस ये है साउंड सिस्टम, अभी हमने मिल गया है, तो वो सिम पेयर करो इसको। नाउ आई एम चेकिंग दिस वन। ठीक है, बस ठीक है। गाड़ी में चढ़ाओ यार इसको, माइक इसको थोड़ा टेढ़ा करके चढ़ाओ। हाँ कैसे चलाओ इस तरह, तो दैट्स इट। ओके ओके गाइस, अभी चलते हैं वापस घर। तो गाइस ये आ गया है साउंड सिस्टम, हमने गाड़ी में सेट कर लिया है, तो घर जाते जाते हम थोड़ा एंजॉय करेंगे। तो वसीम यार म्यूज़िक लगाओ, थोड़ा हल्का रखना ना, इधर कान ना फट जाए। ब्लूटूथ ऑन कर लिया है, सेट हो गया, तो थोड़ा म्यूज़िक चलाते हैं। तो अभी हम यहाँ से आगे तक एंजॉय करते जाएंगे, तो वसीम चलो जी, लेट्स गो। ओके गाइस, हम अभी टेंट जाएंगे, तो मिलते हैं आपको बाद में। तो गाइस अभी हम यहाँ पर देख पकना शुरू हो गया है। हाँ देख पक रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर तैयारी चल रहा है, सही प्याज और पक रहा है। तो यहाँ पर कुछ सामान और यहाँ पर रखा हुआ है, जो जितने भी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं, और अभी और भी आएंगे। सो गाइस रहीम भाई जो है हमारे जो किचन का जो है हेड है, समझो कि एक है, तो उनसे पूछते हैं क्या क्या पकेंगे खाने में। देख मैं अभी हम प्याज काट रहे हैं, 6-7 देग बनाना है, एक देग मटन बनाना है, 3-4 बिरयानी बनाना है, 3-4 देग। तो अभी तैयारी कर रहा हूँ। ये वसीम मेरा भतीजा है, प्याज काट रहा है, और ये कईम मेरा भाई है, फिजाद भाई, ये सारे प्याज कर रहे हैं जी। शाम की तैयारी कर रहे हैं, शाम के खाने की तैयारी कर रहे हैं। ये है हमारे मास्टर साहब कुक, मास्टर बट्टू, और आगे दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पर क्या हो रहा है। पहले यहाँ पर बताओ, वो ये है मशीन है, टमाटर मशीन, सौ सौ जमा लगाओ यार, कुछ लगा इसमें लगाओ क्या हाल है। ये है यहाँ पर लाइट का इशू है, तो देसी तरीके से पीस रहा है। लगाओ आलू चिकन है, ये आलू भी पीसते हैं देखो, तो हर चीज़ यहाँ, टमाटर भी।
तो गाइस देग जो है तैयार हो चुका है और आप लोगों का भी देग जो है शो कराने जा रहा हूँ कि क्या क्या पकाया है देग में। सालन और बिरयानी वगैरह भी बनाया है तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और यहाँ पर टेंट वगैरह भी तैयार है, देखते हैं पहले इसमें क्या है। पहले ये पहले देख, तो गाइस पहले जो है देख, अब इसमें पुलाव बन रहा है तो आगे चलते हैं रोल है। एंड नेक्स्ट देख में क्या है, आल्सो पुलाव, दिस इज आल्सो पुलाव, यस। थर्ड देख में देखते हैं क्या बनाया है, ये खोलो यार जल्दी। ये है चम्मच जिसको कढ़ाई, इसमें कढ़ाई लगता है सही ऑयल वाला है तो ये अभी हाँ खोलो भैया। ये है अभी कढ़ाई तैयार है, स्किन ये है कढ़ाई, सही तरह घुमाओ यार खाते नहीं है। और आगे चलते हैं लास्ट नॉट द लीस्ट देख, सबसे बड़ा वाला देख, तीन सादा चावल, इसमें भी चावल लगता है, बिरयानी है, बिरयानी है, ये बिरयानी है, ये है बिरयानी। तो सो गाइस ये है फाइनल सीन, घर को जो है डेकोरेट किया है हमने, खुद डेकोरेशन खुद किया है और वहाँ पर शामियाने लगा हुआ है और उसके साथ किचन हमने प्लान किया हुआ है वहाँ पर लगाया हुआ है। तो भाई सभी मेहंदी का रस्म होने वाला है तो हम अभी कमरे में जाएंगे और मेहंदी का रस्म पूरा करेंगे। तो चलो यार, Shout out.
अभी अभी मेहंदी का जो रस्म है वो पूरा हो गया है, तो मैं यहाँ थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ और थोड़ी देर बाद हम इशा की नमाज के बाद जो है हम शुरू करेंगे हमारा जो पार्टी है, डांस वाला और सॉन्ग वाला होंगे, उसमें थोड़ा इन्जॉय करेंगे। तो अभी हम जाएंगे छत पे और अकील के साथ हम थोड़ा वो म्यूजिक कर रहे हैं, तो हम उधर जाते हैं चेक करते हैं कि वो कैसे गा रहे हैं। ओके देन अभी हम छत पे जाएंगे और उसके बाद हम इशा के बाद शुरू करेंगे धमाल, यानी कि पार्टी करेंगे सॉन्ग के साथ। ¡Gracias!